एल्विस ने गलत करा, हम मानते हैं मैंने गलत करा, और अपने हिंदू धर्म के ऊपर, अपने सनातन धर्म के ऊपर एक नहीं हजार मुनावर फारूक की कुर्बान है, उसको मैं कंसीडर ना करता, ना अपना कोई दोस्त, ना अपना कोई भाई, नथिंग, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मेरे लिए मेरा धर्म सबसे ऊपर है। राम राम भाई सभी लोगों को। ये वीडियो एंड तक देखना, और सीधा मुद्दे पे आता हूँ, देखो मैं इधर उधर की बात नहीं करूँगा। एक फोटो मेरी मुनावर के साथ बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें सब लोगों का क्लेम है मैं उसको गले लगा रहा हूँ, उसके साथ खुशी से बातें कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, उसकी जस्टिफिकेशन वैसे मैं दे चुका हूँ। और अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर पेज को छोड़ के, जिसको मेरे से पर्सनल हेट है, उसको साइड करते हैं, और बाकी मैं अपने हिंदू समाज पे आता हूँ। जो जो लोग मेरे से नाराज़ हैं, जिन लोगों को उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि वहाँ पे क्या बातें हुई, किस सर्कमस्टांस में, जो भी गले लगाया, मजे ले रहा, जो भी है, इस एक काम करते हैं, इस चीज़ को ना बहुत सॉर्टेड करते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, मैंने उसको गले लगा लिया, अब इसके आगे बात करते हैं। ठीक है, मैंने उसको गले लगाया, बहुत सारे हिंदू भाई ऑफेंड हो गए, और मेरे को फेक हिंदू, एंटी हिंदू, गद्दार, सोचा जाए तो गद्दार बहुत बड़ा वर्ड है, और इस देश में गद्दार सुनना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप मुंह से बोल देते हो बड़ा इजीली एल्विस गद्दार, चलो कोई बात नहीं, वो भी आपकी बात मैंने सहन कर ली, ठीक है, कोई बात नहीं, कह दिया, मेरे भाई हैं, देखो हमें उठाने वाले भी आप ही हो, गिराने वाले भी आप ही हो, कोई दो राय नहीं है, सारी चीज़ें आपकी मान ए टू जेड मानता हूँ। और वीडियो भी स्टार्ट होगी, बट उससे पहले ही बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं एलिश में ईगो बहुत ज़्यादा है और हिंदू समाज से माफ़ी नहीं मांग रहा। भाई मैं एक बार ही नहीं, मैं हज़ार बार माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ हिंदू समाज से, क्योंकि हिंदू समाज मेरा अपना है, इन्होंने मेरे को उठाया और मैं इससे बिलोंग करता हूँ, इससे ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो भाई जितने भी हिंदू समाज के मेरे भाई हैं, उन सभी को मेरी तरफ से, छोटा नहीं हो जाऊँगा मैं बिल्कुल भी, मेरी तरफ से हाथ जोड़ के, बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख है, और जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से सॉरी है कि आपको बुरा लगा मेरा कि मैंने मुनावर को गले लगाया। ठीक है, ये आपने मेरी सॉरी ले ली, बिल्कुल छोटा नहीं हुआ मैं, मेरे बड़े भाई भी देख रहे हैं और मेरे छोटे भाई भी देख रहे हैं, कोई बात नहीं, छोटे भाइयों के आगे भी हाथ जोड़ दिया, हम उसमें भी छोटे नहीं होते हैं, इट्स ओके। पर अब जितने भी भाइयों ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई है, जितने भी कह रहे हैं कि एल्विश गद्दार है, ये ठीक है भाई, आपकी बात मान ली मैंने, पर आज हम बात करेंगे फैक्ट्स पे। और अपनी ईगो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी ईगो जो आपकी है एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, उसको थोड़ी देर के लिए साइड रख देना, और अपने भाई की बात ना एंड तक सुनना, ना मैं यहाँ कोई हवाबाजी करूंगा, जो जो चीज़ें आज तक हुई हैं मैं उन चीज़ों को रिकॉल करूंगा, लास्ट डिसीजन आपका होगा कि आपको मुझे क्या समझना क्या नहीं समझना। अब बात करते हैं उस मैच की। अब ये वाली बात तो पक्की है कि आप लोग हिंदू हो, कट्टर हिंदू हो, पक्के हिंदू हो, मेरे को बोला आपने, मेरे को पॉइंट आउट करा, भाई हिंदू धर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है, मैं भी मानता हूँ, सदा मानता हूँ, ठीक है। तो अब फैक्ट्स के साथ सुनना और फिर मुझे बताना कि आप लोग वो चीज़ करोगे नहीं करोगे। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे एक एक हिंदू भाई से जो ऑनलाइन बैठ के वीडियो बना रहा है मेरे खिलाफ में, ठीक है। मैच हुआ, मैच में थे, सुनो कौन, अक्षय कुमार, सूर्या, रॉबिन उथप्पा, प्रवीण कुमार, नमन ओझा, गौरव तनेजा, प्रतीक बब्बर, सुखविंदर सिंह चाहिए तो वही हैं, सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना, स्टुअर्ट बिन्नी, ऋषभ छावा, मुनाफ पटेल, रामचरण, कुणाल खेमू, समीर कोचर, और मैं एल्विश यादव। मैं एल्विश यादव को तो बोल दिया, ये सारे भाई हिंदू हैं, ये सब हिंदू भाई हैं, इस देश में रहते हैं, इस देश में बहुत बड़ा नाम कर रखा है इन्होंने, और हमारा हिंदू समाज का बहुत बड़ा रोल है इनको आगे बढ़ाने में। तो जितने भी मेरे भाई हैं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऑन फैक्ट्स कि आपने इनके बारे में एक शब्द भी क्यों नहीं बोला। मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोगों ने, आप बड़े एल्विश गद्दार, एल्विश नकली हिंदू, ये भी तो हिंदू हैं भाई, ये मुसलमान, क्रिश्चियन या ईसाई, ये कुछ अलग हैं क्या, बाहर से आए हैं, अक्षय कुमार, सूर्या, रॉबिन उथप्पा, इरफान पठान, सचिन तेंदुलकर, जितना भी नाम लिया मैंने, ये भी सब भी हिंदू हैं और अपने समाज ने बहुत सपोर्ट करा इनको। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक एक भाई से कि प्लीज़ इनको कॉल आउट करें, अभी तक आपने कॉल आउट नहीं करा था क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर आदमी दिख रहा था कि इसको गलत बोलेंगे, वो आपकी पर्सनल चॉइस बन गई, चाहे किसी के भड़काने पे कह लो, चाहे 10 जगह कोई चीज़ गलत पढ़ के देख लो, आपने एक इंसान को पकड़ लिया, मुझे 22 लोग खेल रहे हैं, मुनावर फारूक की अलग कर देते हैं, रियाज अली अलग कर देते हैं, इरफान पठान अलग कर देते हैं, यूसुफ पठान अलग कर देते हैं, चार जने निकाल देते हैं, 18 बचे, 17 के ऊपर एक शब्द भी क्यों नहीं बोला गया, जिसने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया,
बीजेपी एमएलए हिंदू, जितने भी वहां पे जो भी टीम थी हिंदू, तो मैं चाहूंगा ये पूरी आईएसपीएल इनको भी कॉल आउट करा जाए मेरे हिंदू भाई के द्वारा, जितने भी देख रहे हैं, इनके खिलाफ भी मुहिम छेड़ी जाए, इनसे भी इनको बैन कर दो, इनको बैन करवा दो, हमें तो पावर ना बहुत ज्यादा, इनको बैन करा दो भाई, ये सब हिंदू लोग खेल रहे थे उधर, मुनावर फारूकी के गले भी लगे हैं लोग, हाथ भी मिलाए इन्होंने, जो कि बहुत ही गलत लगा अब, है ना, क्योंकि अपने धर्म से तो ऊपर कुछ है नहीं भाई। तो प्लीज मैं चाहूंगा ये भी आप लोग करें। दूसरी बात, अब बात करते हैं, इसमें मैं कोई बड़ाई की बात नहीं करूंगा, और पूरा समझ ना आपको समझ आएगा, शायद मेरी फीलिंग समझ में आए, जितने लोगों ने मेरे को आज तक देखा है शायद वो मेरे से जुड़े हों और उनको पता हो कि मेरा स्वभाव कैसा है और मैं कैसा हूं। मैं कभी चीजें ना गिनवाता नहीं कि मैंने ये करा मैंने वो करा, बट मजबूरी है मेरी जो आज मुझे सभी लोगों के सामने बैठ के जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ रही है, ये मेरे लिए शर्म की बात है। आप लोग तो बहुत खुश होंगे क्योंकि वाओ, हिंदू हिंदू आपस में लड़के, हम भी हिंदू हैं, और बहुत ही हवा मचा दिया, सॉरी बुलवा दी, वाह भाई हवाबाजी तोड़ दी, ईगो तोड़ दी, ठीक है भाई बहुत अच्छा, हम छोटे आप बड़े, ठीक है भाई। बात करते हैं अब 2016 की, एक बार मेरी बात सुनना एंड तक, उसके बाद आपका जो डिसीजन हो मैं भी रेडी हूँ, आप तो चलो हो ही रेडी। 2016 से स्टार्ट करते हैं, मैंने 2016 से बढ़िया स्टार्ट करा, वीडियोस बनाई, 2018-19 तक बढ़िया मैंने फॉलोअर गेन करे, मिलियंस में अपने आते थे पहले भी व्यूज़, खूब जनता जुड़ रखी थी मेरी, पाकिस्तान की ऑडियंस भी थी मेरी, बाहर की जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनकी ऑडियंस भी थी खूब मेजर, ठीक है, पैसा तब भी आ रहा था, ऑल दो अब थोड़ी एज बड़ी होगी, अब थोड़ा अकाउंट बड़ा हो गया वो अलग चीज़ है, पैसा तब भी आ रहा था, मैं खुश था। फिर आता है CA NRC, जो हमारा कानून लागू हुआ है अभी, वो बहुत पहले आया था, जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे शाहीनबाग में, कोई नहीं आया उठ के, और ये मैं समझना कि मैं वो हवाबाजी कर रहा हूँ, वो मैं आया और कुछ, मैं बस बता रहा हूँ कि जिसको इतने दिनों से तुम लोग पॉइंट आउट कर रहे हो, जिस एलविश यादव को, उसके छोटे छोटे अच्छे काम भी हैं, वो भी मेरे हिसाब से मेरे बड़े भाइयों को पता होना चाहिए कि क्या क्या करा हमने आज तक, और उसके लिए कोई नहीं आया सामने, चलो वो भी नीचे, कोई बात नहीं कि एलविश ने सारी चीज़ें कर रखी हैं, उसकी एक चीज़ के चक्कर में मुझे गद्दार, आप लोगों के लिए बहुत छोटा वर्ड है, मेरे लिए काफ़ी बड़ा, मैंने फील कर लिया, कोई बात नहीं, गद्दार सही। CNRC के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ और खूब मेरे को मारने की धमकियाँ आती हैं, ये तो चलो मेरे नीचे हो गया, ऑन ग्राउंड हो गया, मारने की धमकी आती है क्योंकि मेरा तो फेस भी दिखता है, कई लोगों का फेस भी नहीं दिखता, उनको तब डर लगता कि मेरा फेस दिख गया वो मार देंगे, मेरा फेस दिखता है, मेरी लोकेशन दिखती है, मेरी वीडियोस दिखती है, मैं जहाँ भी जाता हूँ व्लॉग करने कि मेरी ये लोकेशन है, मैं आऊँ, मैं घूम रहा हूँ इस वाले होटल में, मैं सब चीज़ें बताता हूँ, मेरे को भी खूब मारने की धमकी आई काफ़ी ऑन ग्राउंड, ऑनलाइन तो आती हैं, अब भी आती हैं, ऑन ग्राउंड भी आती है, कोई नहीं आया, मेरी वीडियो मास रिपोर्ट करके उड़ा दी, ठीक है, मैंने फेसबुक पर डाली कि यहाँ से कहाँ कहाँ से उड़ाओगे, क्योंकि उसमें सच्चाई बात बता रखी थी और अपना धर्म का स्टैंड ले रखा था, अपने देश का साथ दे रखा था। मैंने अपने मुस्लिम फॉलोअर्स जितने भी थे फॉलोअर, कमाई में साथ देते हैं ना फॉलोअर, जितने आपके व्यूज आते हैं उस हिसाब से पैसा आता है, उतने हिसाब से स्पॉन्सर्स आते हैं, मैंने अपनी व्यूअरशिप कम करी, मुस्लिम्स मेरे को देखना छोड़ गए, मैंने कश्मीरी पंडित के ऊपर बोला, मुसलमान जितने भी थे वो सारे छोड़ गए, गाली तो खाता हूं मैं, ये तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा कि मैं गाली खा रहा हूं मुसलमानों से, कोई बात नहीं, खाली उसका भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम पे वो नहीं कर रहा कि मैंने खाली खाई, नहीं खाई, खुशी खुशी खाई, हम आज भी खाते हैं और खाने को रेडी हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, अब तो हिंदू भाई भी गाली बकता मुझे, तो अब तो आदत पड़ गई ना, पहले से आदत कर रखी है मैंने, कोई बात नहीं। मेरी पाकिस्तान की व्यूअरशिप खत्म, इंडियन मुस्लिम्स मेरे को देखना छोड़ गए, मेजर डिक्रीज मेरे व्यूज में, क्योंकि जितने लोग पहले मेरे को देखते थे अब उनका कम्युनल एंगल बन गया कि ये तो हिंदू सपोर्टर है, हिंदू हिंदू करता है, मुसलमानों को गलत बोलता है, बल्कि मैं गलत को गलत कह रहा था उस टाइम पे, वो छोड़ गए, मेरा नुकसान फाइनेंशियली सोशली और ग्राउंड लेवल पे जान का खतरा वो अलग, कोई नहीं, ये तीन चीज का नुकसान भाई मैं अपने घर वालों के एक हूं। अब हम वीडियो बना रहे हैं खुली, तब कोई नहीं आया, एलविस भाई आपने बहुत अच्छा काम करा, तब एलविश हो गया हेट मोंगर, एलविश तो हिंदू मुसलमान करता और गलत चीज़ें फैलाता सोशली, तब मैं ये हो गया। उसके बाद मैंने जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस थे
चाहे मुनावर हो गया, ये तो चलो बाद में आया, और भी पहले पहले जितने ज्यादा फालतूपन की बकवास करते, ये वीडियोस मौजूद है मेरे चैनल पे, आप जाके देखना, उनको मैंने पॉइंट आउट करा। तो अपनी एक जनता स्टैंड अप कॉमेडी वाली, वहां से वो हट गई। इंडियन लिबरल्स के ऊपर मैंने बोला, मैंने न्यूज चैनल्स के ऊपर बोला, मैंने जितने भी ये पहले वीडियोस मैंने अभी निकाल के नहीं रख रखी, आपको शायद दिख जाएगी, अभी एडिटर को भेजूंगा मैं, वो कुछ लगा दे, तो उसमें जितनी मैंने वीडियोस बना रखी, जो गाड़ियों के पीछे हिंदू स्टिकर लगा होता, पीछे जय श्री राम लिखा होता, ये हमने स्टार्ट करा दिया। कोई बात नहीं, मैं उसकी भी वो नहीं करा कि मेरे को श्रेय दो, मुझे चाहिए भी नहीं, किसी चीज का श्रेय नहीं चाहिए मुझे, मैं बस बता रहा हूं कि हमने भी अपने धर्म के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए स्टैंड लिया है, एक नहीं हजार बार लिया है, हजार मुसीबत भी आई है, खूब नुकसान भी खाया है, खूब फाइनेंशियल नुकसान भी खाया है, जान के खतरे की रोज गला काटने की धमकी मिलती है, गला काट देंगे तेरा, ऐसी धमकी भी सही है, ऑन ग्राउंड फेस भी करा है, हमारी गाड़ियों के ऊपर हमला भी हुआ है, बहुत चीजें हुई है जो सोशली मेरे हिसाब से लोगों को मैं बताना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि फिर वो बहुत बड़ी चीज बन जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, और आज सिर्फ एक सेकंड नहीं लगता आपको बोलने में मुझे कि एल्विश तो गद्दार दोगला हिंदू है। अब एक नई चीज चल रही है, वो ऐसे वो प्ले कार्ड लेके ऐसे यहाँ पे एल्विश गद्दार हिंदू, लिख लो भाई उस पे लिख लो, तुम्हारे लिखने से ना मेरा आधार कार्ड बदलता, ना मेरा पैन कार्ड बदलता, ना मेरा कुछ नहीं बदलता, मेरा सब चीज सेम रहनी है। और मैं लोगों को बोलना चाहूंगा कि आपस में लड़के, मुझे नहीं पता भाई तुमने क्या मिला, तुम्हें मेरे को गद्दार बोल के तुम्हें क्या मिला, शायद मेंटल सेटिस्फेक्शन, और शायद आपको खुशी मिलती होगी, और तीसरी चीज व्यूज भी मिलते होंगे। कोई बात नहीं, हम खुश हैं फॉलोअर्स बांट के, व्यूज बांट के, हमारे नाम से बहुत लोगों के घर चल रहे हैं, वो भी कोई बात नहीं, चला लो भाई, अच्छी बात है, किसी के घर में दो रोटी एक्स्ट्रा आ रही है मेरे नाम से तो मेरा पुण्य है वो। ओके, हम एल्विश यादव फाउंडेशन भी चलाते हैं, गौशाला भी चलाते हैं, गरीब बच्चों की हेल्प भी करते हैं, जो गरीब बड़े लोग होते हैं बूढ़े बुजुर्ग उनकी हेल्प भी करते हैं, हर सैटरडे हमारा भंडारा भी होता है, 2 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गए, भंडारा भी होता है। अभी हम एक हॉस्पिटल से हमारा वो है कोलैबोरेशन, उसमें हम वो भी कराएंगे, जो बूढ़े बड़ों को होती है आंधा शीशी होती है, फिर आंखों की जो बीमारी होती है वो भी ठीक कराएंगे, पर ये चीज़ नहीं आई सामने। सामने क्या आया कि एल्विश ने मुनावर गले लगा लिया, सिर्फ गले लगा लिया, जो फोटो के बेस पे आपको दिख रहा है, एल्विश तो उसके साथ गुलछर्रे उड़ा रहा। उस दिन की तो 4 वीडियो और भी थी जिसके अंदर मैं उसको रोस्ट कर रहा हूं कि अच्छा तुझे भी पता वोट में नहीं जीता जाएगा, 1992 वाला जोक मारा, बहुत कम लोगों को समझ में आया, आई डोंट केयर, मत समझो। उसने पहले ऐसे बैट रखा है मजे लेने के लिए, उसके बाद मैंने उसको आउट मारा, हो गया आउट, जा मजे लेने के लिए गले लगा लिया, जो बहुत गलत तरीके से मेरी स्प्रेड हो रही है। बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों ने बोला कि एल्विश तैने गलत करा, हम मानते हैं मैंने गलत करा, और अपने हिंदू धर्म के ऊपर, अपने सनातन धर्म के ऊपर एक नहीं हजार मुनावर फारूक की कुर्बान है, उसको मैं कंसीडर ना करता, ना अपना कोई दोस्त, ना अपना कोई भाई, नथिंग, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, मेरे लिए मेरा धर्म सबसे ऊपर है। और एक लाइन जो आप खेल देते हो, उसने माँ सीता को गाली बकी, इसने राम जी को गाली बकी, एल्विश ने उसे गले लगा लिया, लीगली वो जेल में भी गया, उससे यूं कहोगे एल्विश भाई उससे सॉरी बुलवा दो, तो उससे सॉरी भी बुलवा देंगे, करने को कुछ भी करा जा सकता है। इस चीज की भी चलो मैं ज्यादा बात नहीं करता, करने को बहुत कुछ कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। और आजकल जिस टाइप का माहौल चल रहा है सोशल मीडिया पे, हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है भाई उसको खत्म कर दो, हिंदू हिंदू आपस में लड़ रहा, इससे नीचे कुछ नहीं है, ना कभी होगा। तीसरा आदमी मजे ले रहा, जिन लोगों को ना पता हो पूरी जो लेफ्ट लॉबी है एंटी इंडिया खूब इंजॉय कर रही है, वाओ देखो एल्विस को कैसे गाली बक रहे हैं, हिंदू हिंदू करते थे ना, आज देखो ये साढ़े कैसे लड़ रहे हैं, मजे दिला दो सबको, सबके काम है मजे लेने के, सबके काम है पॉपकॉर्न खाने के, सबको खिलाओ, एंटरटेनमेंट का सोर्स हम ही तो बन रहे हैं। दो हिंदू आपस में लड़के, एक तीसरा जना लड़वा रहा, वो उसकी तो पर्सनल वो है, उसके पेज पर दिखा दो ना, उसके पेज पे पिछले 7 दिनों से दिखा दो कि एल्विश के अलावा क्या बात कर ली उसने हिंदुओं की, हिंदू का एक ही एक है हिंदू है 140 करोड़ लोगों में, और उसने सब चीज गलत कर रखी, उसको गद्दार घोषित करो, पर्सनल हेट है उसको, आप ये चीज ना समझो, आपकी किसी की पर्सनल हेट आप अपने सर पे लेके अपनी पर्सनल हेट बना रहे हो, वो आपकी चॉइस है, बट आपको बनानी चाहिए सिर्फ इस बात के ऊपर
हम अपने धर्म के साथ सदा खड़े हैं, और मैं हाथ जोड़ के मेरे पूरे हिंदू समाज को बोलना चाहूँगा कि कृपा करके आपस में ना लड़ें, ये टाइम नहीं है लड़ने का, ना हमारा मन करता ना हमें करनी चाहिए आपस में लड़ाई खासकर। और जितने भी लोग कम्युनिटी में बट रखे हैं, यादव, राजपूत, जाट, गुजर, बामण, छत्तीस बिरादरी हमारी, ये सारी एक हो, लड़ाई बड़ाई बंद हो। और जितने भी मेरे भाई ईगो लेके बैठे हैं कि हम ही हम हैं, भाई तुम ही तुम हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तुम बड़े हम छोटे, हम अपने काम धंधा करते हैं, आप अपना करें या फिर आपका जो दिल करता हो वो करें। एक और बारी सभी लोगों से हाथ जोड़ के मेरी तरफ से सॉरी है कि आप लोगों को बुरा लगा, हिंदू समाज को बुरा लगा, हिंदू समाज को बोला मैंने। कभी कोई एक इंसान अभी वीडियो चलाएंगे कि जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि मेरा बाल से लेकर पैर तक ना सॉरी नहीं बोलेगा, वो हिंदू समाज के लिए नहीं, वो किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए। और एक बार नहीं, मैं हजार बार रेडी हूँ अपने हिंदू समाज के लिए बेशक कुर्बान होने के लिए। कभी अजमाना, टाइम आएगा तो आपको पता लगेगा, इन चीज़ों का मैं सबूत ऐसे नहीं दूंगा। तो भाई मेरी तरफ से राम राम, और आप अपने खूब खुश रहें, खूब आगे बढ़ें, खूब पैसा कमाएं और खूब तरक्की करें, किसी से जले ना, और सबको बढ़िया फॉलोअर मिले। धन्यवाद भाई। धर्म का स्टैंड लेना सीखो और गर्व तक आओ हिंदू। वी बिलीव इन हिंदू एकता। क्यों भाई? हिंदू एकता मिली कहते तुम भी करो भाई। मैं जितनी भी लड़कियां सुन रही है ना इस चीज को भाई थोड़ा सीरियसली लेगा, मैं मजाक करते रहता हूँ, तुमने सब सुनी, एज अ ब्रदर, एज अ बिग ब्रदर, स्मॉल ब्रदर, या फिर एज अ फ्रेंड सुनना इस बात को भाई। अपना जो धर्म है ना वो बहुत खुशकिस्मत लोगों को मिलता है, खासकर लड़कियां। कन्वर्जन अगर तुमने कर लिया तो तुम्हें सिर्फ डिफीट मिलनी है जिंदगी में, बाकी मुझे कुछ पता नहीं पता, तुम्हें सिर्फ डिफीट मिलनी है। अपने धर्म के साथ रहो भाई। हिंदुइज्म वे ऑफ लिविंग है, कोई धर्म भी नहीं है, वे ऑफ लिविंग है, यही होता जो होता है।